प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, आप सबों का अर्जुन स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं अर्जुन प्रसाद यादव आप सबों के सामने त्रिकोणमिति का क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। अगर आप सब इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। ये क्वेश्चन जो है कुछ स्टूडेंट व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप किया हुआ था, सर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन के लिए एक वीडियो बनाकर भेज दीजिए, सोल्यूशन का वीडियो। तो उस स्टूडेंट के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं पर्सनल। तो आप सब भी इस तरह से जो भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होती है तो वो मेरा व्हाट्सएप नंबर देख ही सकते हैं आप। यहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप क्वेश्चन सेंड करें और जैसे ही हमको टाइम मिलेगा उस क्वेश्चन का वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने अवश्य लाने का प्रयास करेंगे। चलिए आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है साइन थीटा बट्टे वन माइनस कॉस थीटा प्लस टेन थीटा बट्टे वन प्लस कॉस थीटा बराबर है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। एलएचएस पार्ट से आरएचएस पार्ट को प्रूफ करना है। अगर प्रूफ नहीं होता है तो फिर आरएचएस पार्ट को भी तोड़ करके प्रूफ किया जाता है, ठीक ना। तो पहले एलएचएस से आरएचएस लाने का प्रयास करेंगे, जब नहीं आएगा अंत तक में तो फिर आरएचएस को तोड़ेंगे, फिर देखेंगे एलएचएस के बराबर होता है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले प्रूफ करते हैं। तो हल लिखे, प्रूफ करने वाली क्वेश्चन है, यहाँ लिखेंगे प्रूफ एलएचएस बराबर, प्रूफ एलएचएस बराबर। तो एलएचएस में देखिए तो कौन है यहाँ पे, तो एलएचएस में है साइन थीटा बटे वन माइनस कॉस थीटा प्लस टेन थीटा बटे वन प्लस कॉस थीटा, ठीक ना। यही है एलएचएस। अब एलएचएस से आरएचएस लाने के लिए सोचेंगे, तो सबसे पहले देखिए इसमें सोचेंगे क्या करें आगे। तो यहाँ साइन का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, कोस का भी नहीं होता, ये कोस का भी नहीं, फिर यहाँ टेन का होता है, तो सिर्फ इसका फॉर्मूला लगाने से यहाँ तो कुछ होगा नहीं। तो इसमें कुछ दूसरा तरह से सोचते हैं। यहाँ देखिए वन माइनस कोस थीटा और नीचे में भी वन प्लस कोस थीटा है, तो दोनों का लॉसो ले लेते हैं सबसे पहले एलसीएम। तो दोनों डिफरेंट है तो दोनों गुणनफल के रूप में आ जाएगा, इनटू में हो जाएगा। देखिए इनटू में कैसे होगा, तो वन माइनस कॉस थीटा इनटू वन प्लस कॉस थीटा, इसका एलसीएम हो गया। तो वन माइनस कॉस थीटा से इसमें भाग देंगे तो बचेगा वन प्लस कॉस थीटा, और इसको किससे गुना करना पड़ेगा, साइन वाले से, ऊपर वाले से। तो ऊपर में साइन थीटा है, इसको गुना कर देते हैं वन प्लस कॉस थीटा से, प्लस है तो प्लस देंगे। उसके बाद देखिए वन प्लस कॉस थीटा से इसको भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा वन माइनस कॉस थीटा, और वन माइनस कॉस थीटा आप किससे गुना करेंगे, टेन से। यहाँ लिखेंगे टेन थीटा इंटू, तो प्लस वाले से भाग दिए, प्लस वाला कट गया, माइनस वाला बचा, तो वन माइनस कॉस थीटा, ये बट्टे हो गया। अब देखिए आगे का स्टेप में देखिए, तो आगे के स्टेप में साइन को गुना करते हैं बारी बारी। तो साइन को वन से गुना करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा प्लस, साइन को कोस के साथ गुना कर रहे हैं तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो गया, प्लस है तो प्लस। टेन को वन के साथ गुना करेंगे तो टेन थीटा होगा, माइनस है तो माइनस, और टेन को कोस के साथ गुना कर रहे हैं तो टेन थीटा इंटू कोस थीटा हो गया, बट्टे है तो बट्टे। बट हम देखिए एक फॉर्मूला पे आ गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो सूत्र क्या जानते हैं इसका, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। किसका सूत्र, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो एक स्थान पे वन है तो वन के यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए, तो एक स्थान पे वन है तो ए स्क्वायर माइनस बी, तो बी के स्थान पे है कोस, तो कोस स्क्वायर थीटा। अब आगे एक प्रोसेस में देखिए, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस टेन थीटा माइनस, इस टेन के बदले सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं क्या, साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, हाँ इंटू भी कोस थीटा है, कोस थीटा कट गया, ठीक ना, कोस थीटा और कोस थीटा कट गया। यहाँ पे भी रख सकते हैं टेन के बदले साइन बकोस का प्रयोग कर ले तो वो भी अच्छा ही रहेगा, कर ही लेते हैं। देखिए
एस आई एन, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। चलिए इस टेन के बदले भी साइन बाय कॉस का प्रयोग कर लिया, इस टेन के बदले साइन बाय कॉस, आई कॉस तो गुना में था दोनों कट गया, तो ये तो नहीं कटेगा। बटे, अब बटे देखिए तो क्या होती है, बटे में क्या है, वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ तक ठीक, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे का प्रोसेस में देखिए तो नेक्स्ट स्टेप में ऊपर में बचा हुआ साइन थीटा प्लस, यहाँ पे देखिए क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, यहाँ पे हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और माइनस, माइनस में क्या बचा हुआ, यहाँ पे साइन थीटा बटे, बटे में देखिए वन माइनस कॉस स्क्वायर जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है, ये जो है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए माइनस में साइन थीटा और ये प्लस में साइन थीटा कट गया, माइनस प्लस में कट गया। आगे का स्टेप देखिए तो क्या बचा हुआ, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और ये बराबर बट्टे नीचे में है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इससे आगे प्रोसेस कैसे करेंगे, कि दोनों में साइन मिल रहा, साइन कॉमन कर सकते हैं, साइन थीटा कॉमन कर लेते हैं, इसमें बचेगा क्या कॉस थीटा प्लस, यहां से साइन निकल गया तो ऊपर नहीं कुछ बचा तो वन, अब बट्टे में क्या तो कॉस थीटा, अब बट्टे में देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा। अब तो ये गुना में कट जाएगा, तो यहां से साइन, यहां दो गो साइन है तो एक गो साइन को काट देंगे तो एक गो साइन बचेगा, ठीक ना। तो अब आगे का स्टेप में देखिए, ये दोनों का लॉसा ले लीजिए आगे के स्टेप में, तो कॉस और वन का लॉसा तो कॉस थीटा हो जाएगा, और वन से कॉस में देखिए कॉस बार में कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इस कॉस से अगर भाग देते तो वन बार में लगेगा, वन को वन से करेंगे तो वन, अब बटे में देखिए क्या है साइन बचा साइन थीटा, क्योंकि यहाँ दो गो था एक गो से काटे तो एक गो बच गया है, यहाँ तक तीन स्टेप आ चुका है। अब आगे प्रोसेस में देखिए बटे में नहीं कुछ तो एक देंगे, चार स्टेप हो गया, चार स्टेप होने के बाद जान भी करते हैं, दो स्टेप सेम रहता है, ये दो स्टेप उलट के गुना करते हैं, तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन बटे कॉस थीटा, ये दोनों स्टेप को उल्टा करके गुना करेंगे तो वन ऊपर साइन थीटा नीचे। अब देखिए आगे के स्टेप में देखिए क्या करेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन में किससे भाग लगेगा, साइन और कॉस से, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से। चलिए यहां से देखिए तो आगे का प्रोसेस, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन बटे में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका मीनिंग क्या हुआ, कॉस स्क्वायर में भी भाग लगा हुआ है साइन और कॉस से, और वन में भी भाग है साइन और कॉस से। तो आगे का स्टेप में देखिए तो आगे का स्टेप में कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे में दोनों से भाग देना है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, तो प्लस वन में भी भाग देना है साइन से भी और कॉस थीटा से। अब आगे का स्टेप में देखिए तो यहाँ दो को कोस है, यहाँ एक कोस है तो कट गया, तो एक को कोस स्क्वायर बचा, देखिए यहाँ दो को कोस स्क्वायर का मीनिंग हुआ दो को कोस है और नीचे में एक कोस है, तो इससे एक को काट दिया, यहाँ एक को कोस बचा, तो देखिए यहाँ ऊपर में एक को कोस थीटा बचा और नीचे में क्या बचा हुआ है साइन थीटा प्लस, ये वन बाय साइन है इसका मीनिंग हो गया, अलग अलग भी कर सकते हैं, तो वन के नीचे में भी साइन से भाग दे सकते हैं और वन में किससे भाग दे सकते हैं कॉस में, क्योंकि नीचे में जो है वो दोनों के लिए रहता है, तो देखिए कॉस थीटा। अब आगे का स्टेप में देखिए तो कॉस बाय साइन जो है कोट थीटा होता है, क्या होता है कोट थीटा प्लस, कॉस बाय साइन जो है कोट थीटा होता है प्लस वन बाय साइन का फॉर्मूला जो होता है कॉस एक होता है,
कोसेक थीटा इंटू, इसका हो गया कोसेक थीटा इंटू है इंटू वन बाय कोस का होता है सेक थीटा, इसका फॉर्मूला ये हो गया। तो सिद्ध क्या करने के लिए कह रहा था, पहले सेक और कोसेक को गुणा के रूप में कह रहा था, पहले इसको कह रहा था गुणा में किसी को भी पहले लिख सकते हैं, तो सेक है तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा और प्लस में क्या बचा हुआ कोट थीटा, यही सिद्ध करने के लिए कह रहा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रूव्ड हो गया। और आप लोग को भी किसी तरह की अगर परेशानी होती क्वेश्चन में तो व्हाट्सएप नंबर ऊपर में जो दिए हुए थे उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं क्वेश्चन। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।